जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल हसन, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्ब व तरदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपके सामने एक बच्चा है जी, इसकी आज तकरीबन 3 से 4 दिन उम्र हो गई है। पैदाइशी वेट इसका 37 किलो है और ये सेल के लिए अवेलेबल है। ब्रीड है इसकी प्योर डच फ्रीजियन, चकवाल के एरिया में मौजूद है। लेने के लिए डॉक्टर उबैद साहब से रब्ता कर सकते हैं। इसकी भी माँ आपको दिखाते हैं, इसकी माँ का रिकॉर्ड आपको बताते हैं। अच्छा जानवर है, बर्थ वेट भी अच्छा है, हड पैर का खुला है। ब्रीडिंग के लिए अपने फार्म पर आप इसको रिपीटर काउस के लिए बड़ा करके पाल सकते हैं। ये इसकी माँ है जी, अच्छी हाइटेड है और पिछले सूबे के अंदर इसका दूध था 11,000 लीटर और इसकी जो मैक्सिमम प्रोडक्शन थी 47 लीटर थी पिछले सूबे की। और इस दफ़ा इसकी तैयारी देख ले माशाल्लाह, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा इसको हम 50 क्रॉस करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि सर्दी के मौसम में इसका सूबा पड़ा है। इंशाल्लाह 50 को ये टच कर जाएगी। अच्छा जानवर है, हिवाना टकटप है, थनों का फासला अच्छा है और आर्डर के पॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं और मजबूत जानवर है, कद काठ भी अच्छा है। ज़रूर अपने फार्म पे वो जानवर जो आपके रिपीटर एनिमल्स हैं, जो इंसेमिनेशन पे नहीं ठहरते किसी वजह से, उनके लिए आप ये बच्चे को बड़ा करें, पाल लें और रिपीटर्स का बंदोबस्त करें। अच्छा जानवर है और चकवाल में मौजूद है। रेट के लिए और अवेलेबिलिटी के लिए ये डॉक्टर उबैद साहब का नंबर आपको दे दिया है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ले जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।